मैनिफेस्टो की खूबियों को गिनवाई है। सभी नेताओं ने मैनिफेस्टो पर अलग अलग बातें रखी। सबसे पहले जीतू पटवारी ने और सबसे आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मैनिफेस्टो की खूबियां गिनवाई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो बार देश का भ्रमण कर जनता की समस्याओं को समझा और उसे न्याय पत्र में शामिल किया है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने संवैधानिक न्याय पर बात की तो वहीं आदिवासी नेता उमंग सिंगार ने आदिवासी न्याय पर अपना पक्ष रखा। आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ रही है, पहले भी लड़ती है। वन अधिकार अधिनियम एक क्रांतिकारी निर्णय था, कानून रूप दिया गया था जिसमें कि आदिवासियों जो कि जंगलों में बरसों से सदियों से रहते आए हैं उनको अगर खेती कर रहे हैं तो 2004 के समय जो भी मौके पर कब्जे में था उसको पट्टे दिए जाए, पट्टे दिए गए। लेकिन साथ साथ ये भी उसमें था कि जो नॉन ट्राइबल हैं यदि 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उनको भी पट्टे दिए गए। केवल इसके साथ मेरा फिर से निवेदन है कि रोजगार के समय से संबंधित सवाल होंगे बेहतर। सर जनगणना को लेकर कहा गया है, आनंद शर्मा जी ने कुछ दिन पहले खड़गे जी को पत्र लिखा था कि जातिगत जनगणना तो है कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। कहते आ रहा था कि जाति पर ना बात पर चिंता की है, बहुत तेजी बात है, कांग्रेस जो है वो जाति जातिगत जनगणना क्या जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं देगी आपकी ये लाइन है मोटे तौर पर? जातिगत जनगणना क्यों, ये सवाल आज देश के और प्रदेश के सामने होना चाहिए। ये इसलिए इस देश में 80%